सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की पाठ संख्या 8, जिसका नाम है ईद। अब ईद नाम सुनते ही आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ईद किस लिए है, ईद क्या है। एक त्यौहार है जो किस में बनाया जाता है, मुसलमानों में बनाया जाता है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चार जो जातियां हैं उनमें से जो मुस्लिम जाति है उसमें ईद का त्यौहार मनाया जाता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम दिवाली, होली, राखी ये सभी त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही मुस्लिम में भी ईद का त्यौहार आता है। तो ईद इनके दो प्रकार की होती है, एक तो ये जो मीठी ईद मनाते हैं वो, और एक बकरा ईद आती है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की ईद मनाते हैं। और ईद वाले दिन ये क्या क्या करते हैं आप सभी को पता है। इनके घर पे भी बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती है, एक दूसरे के ये गले मिलते हैं, सभी घर जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ईद पे मज़े करते हैं। तो ईद के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। आप अपनी किताब का पेज नंबर 55 निकाल लीजिए, जिसके अंदर दे रखा है पाठ संख्या 8, जिसका नाम है ईद। ईद उल फितर को हम ईद के नाम से जानते हैं। ईद का पूरा नाम क्या है? ईद उल फितर। यह त्यौहार खुशी, भाईचारे और परोपकार, यानी कि दूसरों पर उपकार, दया करने का त्यौहार है। ईद से पहले सभी मुसलमान 30 दिन तक रोजे यानी कि उपवास रखते हैं। अब हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या होता है कि हम भी अलग अलग प्रकार के कई सारे व्रत रखते हैं, लेकिन ये इतने सारे त्यौहार नहीं आके इनके सिर्फ और सिर्फ ईद आती है। तो ये 30 दिन, पूरा एक महीना तक ही उपवास रखते हैं। इस महीने को रमजान का महीना कहते हैं। क्या कहते हैं? रमजान का महीना। रमजान के महीने की 30 दिन पूरे होने की खुशी में ईद मनाई जाती है। ईद किस लिए मनाई जाती है प्रश्न आएगा, तो आप लिखोगे कि रमजान के महीने की 30 दिन पूरी होने की खुशी में ईद मनाई जाती है। ईद के दिन घरों में ईद के विशेष पकवान बनाए जाते हैं। सवैयाँ इस दिन का मुख्य पकवान है। आप सभी को पता होगा कि ईद में मीठी सवैयाँ बनाई जाती है, और वो सभी सवैयाँ हम सभी को भी बहुत पसंद होती है। इस दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं। हमारे में भी होता है ना, हम भी कोई भी त्यौहार होता है तो नए नए कपड़े पहनते हैं। अभी अभी हमारी भी राखी गई है, हमने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, हमने भी पतंगे उड़ाई थी, खूब मिठाइयाँ खाई थी। वैसे ही इनके मुस्लिम में भी ईद होती है और ये नए नए तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। पुरुष ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं। अब इनमें क्या होता है, अपने जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, वैसे ही मुस्लिम में मस्जिद होता है। तो मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ पुरुष जाते हैं, यानी आदमी ही जा सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तो मंदिर में महिलाएँ, पुरुष, सभी बच्चे सब जा सकते हैं, लेकिन मुस्लिम में हमेशा मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ आदमी जाते हैं। तो आदमी वहाँ जाकर क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। ईद की नमाज के बाद सभी प्रेम प्यार से एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब ईद के बाद क्या करते हैं? सभी नमाज पढ़ने के बाद सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं, सभी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। हमारे में बोलते हैं ना बधाई हो, तो वैसे ही मुस्लिम में बोलते हैं मुबारक हो। ईद के दिन कहीं छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं होता। ईद के दिन कोई भी छोटा बड़ा और अमीर गरीब नहीं देखा जाता। सभी एक हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। हमें भी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं ये तो गरीब है, मैं इसके गले नहीं मिलूँगा। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हम सभी में भी एकता की और प्रेम की भावना होनी चाहिए। सभी मिलजुल कर ईद मनाते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं और सेवैयाँ खिलाते हैं। मुबारकबाद यानी सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं, और सभी एक दूसरे को मीठे में जो उनके खास मीठा बनाए सेवैयाँ वो उनको खिलाते हैं। ईद का त्यौहार बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि इस दिन बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं तथा तरह तरह के पकवान खाते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि उन्हें इस दिन घर के बड़े लोगों से ईदी के पैसे मिलते हैं। ईदी के पैसे यानी जब ईद मुबारक बोलते हैं कि आपको ईद मुबारक हो, तो बड़े उनको क्या देते हैं? रुपए देते हैं। हमारे में भी ऐसा होता है, हम पैर छूते हैं बड़ों के, और पैर छूने के बाद हमको भी रुपए मिले जाते हैं। इस दिन बाजार भी खूब सजे हुए होते हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लोग अपने सभी वैर भाव भूलकर, वैर यानी दुश्मनी के भाव भूलकर, सब प्रेम और खुशियों के रंग में डूब जाते हैं। यानी सबके अंदर प्रेम की भावना होती है, सभी एक दूसरे को सम्मान देते हैं, सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं। तो ये होता है आप ईद का त्यौहार, जो कि सबके लिए खुशियाँ लेकर आता है। सभी इस दिन मज़े करते हैं, सभी बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं,
और ये ज़रूरी नहीं है कि ईद मुस्लिम लोगों के लिए, आप हिंदू धर्म के होके भी जो मुस्लिम आपका कोई मित्र है तो उसे भी आप ईद की बधाई दे सकते हो, उसके भी आप गले मिल सकते हो, उसके घर पे भी आप सेवैयाँ खा सकते हो। तो इस प्रकार से ये एकता की भावना को बताता है। तो ये था आपका पाठ ईद, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ईद क्या होता है, ईद कब मनाया जाता है और इस दिन क्या क्या होता है। धन्यवाद।